हे गाइस, मैं हूँ प्रतिभा और वेदर हो रखा है बिल्कुल खराब। अब इसे खराब कहा जाए या अच्छा कहा जाए, बिकॉज ऑफ मुझे निकलना है अपनी फ्रेंड के यहाँ और एज मौसम पानी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई थिंक पल्लवी से एक बार मुलाकात हुई थी, बट सुशालिका और सांची दीदी से बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। पूरी व्लॉग शूट करती हूँ और आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है, तो देखते रहिए। क्या लगता था कभी कि जिंदगी का सफर इतनी जल्दी तय करेंगे कि खुद गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाने वाले हम लोग आज बच्चों को लेकर के नानी के घर आए हुए हैं। तो क्या कहूँ कि कितनी जल्दी ये सफर बस बीता जा रहा है, निकला जा रहा है। और इतने बिजी स्केड्यूल में भी अगर आपके पास कुछ दोस्त हैं जो आपके लिए समय निकालते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए, तो मेरी बात यकीन मानिएगा, आप बहुत लकी हैं। बहुत ही गहमा गहमी में यहाँ पे मुलाकात हुई है, जिसमें पल्लवी जो आप जूम करके जो लड़की देख रहे हैं आप एकदम कोने में बैठी कुपोषित टाइप की, यही पल्लवी और ये मेरे बच्चे जो इधर कोने में है लत के जा रहे हैं मिलने के लिए छोटे भाई से, और ये भाई जो ड्राइवर नहीं है, तू करता और ये है हमारी 11 ईयर की फ्रेंडशिप का एक और मेंबर जिसका नाम है सुशालिका। आज का पूरा दिन जो है वो सुशालिका को नहीं, इस छोटू को डेडिकेटेड है, जो हमारी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन का एक प्यारा सा हिस्सा है और हमारे बच्चों के साथ जुड़ गया है। खुश रहो बाबू, खूब बड़े हो जाओ, क्या हाल है? बढ़िया है, यूपी 32, जिंदगी जिंदाबाद। सैनिटाइज करूँ पहले? सब बच्चे जाकर हैंड सैनिटाइज करो, कोई भी बेबी को ऐसे नहीं छुएगा। कितना क्यूट है, जिसकी लड़की होगी अभी अभी ऐलान हुआ है लोन लेके उधार लेकर किडनी बेच के उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। हम सब माए हैं, हमने ये दौर देखा है, बच्चों को ऐसे ही गोदी लिया है, लेकिन कहते हैं ना कुछ बीती यादें थोड़ी सी धुंधली हो जाती हैं। तो आज जब हम लोगों ने वायु को गोद लिया, जी हाँ इनका नाम है वायु, तो ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, इतना छोटा भी बच्चा होता है क्या। दीदी कैसा लग रहा है, आप कुछ इंस्पायर हुई हैं इसको देखने के बाद? कह रही हो अगर मैं राघव को गोद लेने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो शायद उस समय एनेस्थीसिया इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो फीलिंग बड़ी धुंधली सी होती है और आप सही से बैठ भी नहीं सकते, लेकिन ये जो फीलिंग आज मैंने फील करी है ना, ये बिल्कुल बियॉन्ड है। आई वॉज सो इमोशनल, शायद वहाँ मेरा ध्यान बटा हुआ था, लोग इतना हंसा रहे थे, अदरवाइज मैं सच में रो पड़ती। इतनी प्यारी फीलिंग है, मैं और पल्लवी तो एज़ यूजुअल बदतमीज़ी करने में सबसे आगे, हम यही नाप रहे हैं उसका पैर कितना बड़ा है, उसके हाथ कितने बड़े हैं, बट ये बहुत 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 प्यारी फीलिंग है। सारी मौसियों की गोदियों का प्यार ले लेंगे। मैं एकदम कॉन्शियस थी इसको गोदी से देते और लेते, इतना नन्ना सा, मुझे लग ही नहीं रहा कि बच्चे इतने छोटे भी होते हैं यार। आपका फिर भी क्या नाम है? ऐसा है, ऐसे हो गया यार, लाइट अभी जैसे कंफर्टेबल बच्चे को भी रहे, खुद को भी रहे, हर किसी का अलग।
लेने का तरीका सीखा भैया। शो स्टॉपर ये हैं आज के, बैकग्राउंड डांसर हैं आज। ये जो मूवमेंट है ना, शायद इस मूवमेंट के लिए सारे लोग दौड़ते हुए वायु के पास पहुंचे हैं। एंड अ बिग थैंक्स टू सुशालिका, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने फिर से ये एक्सपीरियंस किया है। इन सेम टाइम बच्चों के लिए भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि उनसे छोटा उन्होंने किसी बच्चे को ऐसे देखा है। इट इज वंडरफुल फीलिंग, वंडरफुल फीलिंग। ये मेरे दोनों बच्चे, इनको पूरा यकीन है कि एक दिन यूपी बदतर जिंदगी जिंदाबाद के करोड़ों सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। जिंदगी में पहली बार ऐसे दो बच्चे जिन्होंने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा है। इतनी खुशी कैसे बयां करूं? Oh my God. It is a kind of honor मेरे लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर दो छोटे बच्चे भी, एक भी बच्चा मुझे पहचान रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बच्चे बहुत छोटे छोटे देखे थे, बड़े बड़े हो गए। Come on. कोशिश छोटी हो या बड़ी, लेकिन जब उसको रिकग्नाइज करा जाता है, उसको पहचान मिलती है ना, तो उसकी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। ये मोमेंट बहुत ही प्रीशियस है मेरे लिए और मैंने इसे कैद किया है अपने पूरे YouTube परिवार के लिए। थैंक यू गाइज इतना सारा प्यार देने के लिए, जिसकी वजह से एक छोटी ही सही लेकिन मेरी अपनी पहचान है। थैंक यू सो मच। ये दोनों जो हैं, ये मेरे नए दोस्त हैं। और ये नाम बोलना शुरू करो। इधर से हाँ। विशु, राघव, जानते होंगे आप इनको। आयु, मेरे दो मिट्टू। आयु, कैसा लग रहा है बड़े भाई बनके? जब मैंने उसको पहली बार पकड़ा था, मेरे को ऐसा लगा कि मैं बड़ा भी बन जाऊं। सच में, अच्छा कि मैं बड़ा भाई बन गया। और जब मैं उसको देखता था, मेरी मेरी मैं बड़ा भाई बन गया। अभी भी ऐसे ही लग रहा है, मतलब उसी जोन में हूं मैं। हां अभी रियलाइज नहीं कर पा रहा है मैं, लेकिन ये एक अच्छी फीलिंग, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। पापा की याद आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं। देखो, हाय गाइस, इट्स यूपी 32, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद इसलिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के साथ जब आप खड़े हों, बहुत सारे, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी की बात हो रही है, सब अलग अलग रीजन्स और डिवीजन से हैं। दो लखनऊ में ही हैं, एक अहमदाबाद वाले हैं, हम दिल्ली वाले हैं, लेकिन ले दे के सब मिला करके यूपी 32 वाले हैं। तो आज इतने दिनों के बाद जब मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि लाइफ में अगर कुछ कमाया है तो वो ये हैं जो साथ में खड़े हुए हैं। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे आप अपनी जिंदगी की जितने भी टेढ़े मेढ़े एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करते हो। अच्छी बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन दर्द आप सबसे नहीं बांट सकते। तो मेरे हिसाब से तो इट इज़ अ डे जहाँ पे मैं बहुत इमोशनल भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। सांची दी, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस टुडे, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत दिनों बाद इतनी खुशी मिली है और ऐसे ही हम लोग मिलते रहे, अब देखते हैं कब मिलते हैं। हाँ, और बहुत जल्दी मिल करके, देयर सो मेनी प्रोग्राम कि हम लोग आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको तो पगलिया को बुला बुला के थक गए, हो सकता है अगले किसी व्लॉग में आप इसको वहां देखें या फिर से हमें साथ में देखें। बट इट इज ऑसम फीलिंग, मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ कमाइए नहीं कमाइए, लेकिन आपके पास कुछ लोगों का साथ ऐसा जरूर होना चाहिए जो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ से निकाल के कहाँ खड़ा करना है। तो इट इज यूपी 32, जिंदगी जिंदाबाद। पापा ने कुछ पैसे दिए, वो हम यही इन्वेस्ट करने को सोच रहे हैं। एक भी आदमी फैमिली कर ले, चलो गली बातें कर ले। हाँ, इतने की गली बात बताओ। कैमरा पकड़, बच्चे को देखो, हमारा ट्राइपॉड नीचे हो रखा है। बहुत टाइम बाद गेट टुगेदर हुआ है। इट इज आई मिस यू कृति। यस, तुम भी होती तो और अच्छा लगता। कौन से हेल्प फ्लोर पे पूछा था? ये वो लड़की है जिसे अपने घर के बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं, एक्चुअली लाइफ इज लाइक वेरी सर्टेन, तो हमें पता नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या है क्या नहीं है। बट मुझे सुदर्शन सुधामा काय बना दियो तुमने। तुम मुंह से बोलो, मन की आंखों से बोलो, मन की आंखों से बोलो, बोलो मन। अच्छा, हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं। आओ जा, मौसी ने आपका काय बस ये
वेरी गुड, खिलाइए खिलाइए, वो रोएगा नहीं। राघव कैसा लग रहा है? रेयरेस्ट एक्सप्रेशंस। अरे छोड़ मत देना, मुश्किल हो रही है। आपको एक जोरदार धारदार बरसात का, मैंने उस जगह पे माइक लगा दिया है और ये मौसम विभाग इसे बता भी नहीं सकता है कि कब ऐसी जोरदार वर्षा होगी। कभी भी ओलावृष्टि इनके साथ धारदार वर्षा हो सकती है। मूसलाधार मेरे मुंह पे मार दो, सीधे कैमरा में मारो यार, दर्शकों को आज एक नया चीज आ सकती है। 1 2 3 नो होती है थोड़ा, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बनता है, तो सीख रही है आप कुछ, आप कुछ सीख पा रही है। जिंदगी जिंदाबाद। आओ प्लीज ये सही है यार, ये मेरे को पहले क्यों नहीं मिले। बस कुछ इस तरह से कुछ नई यादें जुड़ गईं यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद के कारवा में। तो मैं प्रतिभा वादे के अनुसार मिलूंगी कुछ और नया लेकर के, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।